इवनिंग का और मैं हो रही हूँ रेडी बारात के लिए, जिसमें आप सबको बताया था ना, तो ऐसा कुछ है और मैं हो गई हूँ रेडी और आपको बताने की मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि अनी तो वो हमारी वो सबको बताओ आप कितने जाते तो गाइस यार बस एक ही चीज कहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करना, और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से सलाम, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइस वेलकम बैक, सो वेलकम इन माय किचन। तो मैं पहुंच गई हूँ किचन में, तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ आलू प्याज का परांठा। ठीक है, तो जैसे मैंने आप सबको बताया था कि मम्मी और भाभी घर में नहीं है, तो सारा काम आपको पता है वो ही करते हैं, मैं तो करती कुछ नहीं हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मतलब झाड़ू लगाया बाहर भी, क्योंकि मैंने मुझे लग रहा था कि बारिश का मौसम है, मतलब ऐसे बारिश लग रही थी कि आने वाली है, तो मैंने क्या किया, मुझे लग रहा था कि शायद बारिश ना हो जाए जिसकी वजह से मतलब बाहर सारा ऐसे गीला हो जाएगा तो फिर झाड़ू अच्छे से नहीं लगेगा, तो मैंने लगाया झाड़ू। उसके बाद मैंने की किचन साफ, किचन में लगाया पोछा, तो अभी मैं ये पूरी साफ़ सफाई करके मैंने रखी हुई इधर चाय, चाय इज़ माई फेवरेट। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ आलू प्याज का परांठा, जिसके लिए मैंने ले लिया है प्याज, प्याज के निकल आए ऊपर से अंगूर, इस टाइम का प्याज, इस टाइम मतलब जो प्याज चल रहा है वो इस टाइप का ही है। तो उसके बाद मैंने ले लिया हुआ है कटा हुआ धनिया, और साथ में ली मैंने हरी मिर्ची, और साथ में उबले हुए आलू, जो अभी मैंने इनको छिलका नहीं उतारा, पहले मैं कट करूँगी प्याज, उसके बाद मैं बनाऊँगी परांठा। फिलहाल तो चाय बन रही है, और जैसे ही चाय का हो जाता है उसके बाद मैं परांठे का कर लूँगी, फिर ये लोग खाएंगे। और मैंने आज सुबह से इतना काम किया, बाय गॉड मतलब 7 बजे तक मैं ना एक मिनट भी रूम में नहीं गई हूँ, मैं बस ये कर लूँ वो कर लूँ वो कर लूँ। तो पहले मैंने धोए थे कपड़े, उसके बाद का ये सब जो किचन का था, फिर मैंने साथ साथ चाय रख ली, साथ साथ मैंने झाड़ू भी कर लिया क्योंकि मुझे सारा काम फिनिश करना। उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट में बनाएंगे आलू प्याज का परांठा, उसके बाद देखते हैं, फिलहाल के लिए मुझे बनाना परांठा। तो हे गाइस, अभी मैंने आज जैसे आपको बताया बना रही हूँ मैं परांठे, और परांठे के लिए मैं कट कर रही हूँ प्याज, और बाकी सारी सामग्री मैंने रखी हुई है, और इसके लिए मैं यूज़ करूँगी मतलब ड्राई मैंगो जो पाउडर होता है वो, और साथ में मेथी हरी वाली, और उसमें मैं डालूँगी गरम मसाला, और फिर मैं ये सब मिक्स करके बनाऊँगी आलू का परांठा। ठीक है, आलू प्याज का परांठा। फिलहाल मुझे बहुत सारे प्याज जो है वो कट करने, और मेरी लाइफ में मुझे इतना किसी ने नहीं रुलाया, ये दो शख्स जो है मेरी लाइफ में, एक प्याज और दूसरा अनी जी, मतलब इनकी वजह से मैं बड़ा रो रही हूँ लाइफ में, ऐसा है। तो ये प्याज ने तो इतना रुलाया है, तो वैसे होता है ना, ये बोलते बोला भी जाते, कहावत भी है ना कि जिसकी आंखों से आंसू आते हैं प्याज काटने के लिए, तो उसकी सास उससे बड़ा प्यार करती है, तो सच भी होता है ये, बिल्कुल अच्छा, मतलब 100% जो है वो सच है, ऐसा नहीं है कि सच नहीं है। तो अभी मैं ये कर रही हूँ, तो मिलते हैं आलू परांठे और चाय के साथ, आलू प्याज परांठा और चाय के साथ। टाइप का बन रहा है हमारा परांठा, तो नहीं ज्यादा ऑयली खाना आपको या नहीं? नॉर्मल, ये ज्यादा ही हो गया, चलो खा लो कोई बात नहीं। हे गाइस, जैसे मैंने अब सबको पहले बता दिया कि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है परांठों के साथ, तो अभी मम्मा और भाभी नहीं आए हुए हैं, उनके लिए मैं बनाने जा रही हूँ आलू प्याज की सब्जी, जिसके लिए तेल हो गया गरम। तो अभी मुझे प्याज कट करना है, और साथ में आलू जो है वो भी छीलने हैं, अभी उनका छिलका जो मैंने नहीं उतारा हुआ। तो बाहर हो रहा है बारिश वाला मौसम, तो हम लोगों ने इतने ज़्यादा परांठे खा लिए, अभी हमारा मन ही नहीं कर रहा है कि अब पकौड़े वगैरह बनाए जाएँ। अदरवाइज़ हम लोग, मैंने सोचा हुआ था कि जब जिस दिन बारिश होगी तो मैं पालक के पकौड़े बनाऊँगी, पर अभी मन ही नहीं हो रहा क्योंकि हम सब ने ब्रेकफास्ट भरपेट कर लिया है। तो उसके बाद अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या है। फिलहाल के लिए तो मैं बनाने जा रही हूँ आलू मतलब प्याज की सब्जी। ठीक है, तो प्याज मैंने रखे हुए हैं, अभी कट करेंगे, फिर से मेरे को रुलाने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है ना मुझे सबसे ज़्यादा कौन रुला सकता है, वो है प्याज। तो बाकी देखते हैं साथ रात को हमारा क्या बनता है, प्लानिंग होती है कि बारात में जाने की, आज हमारे पड़ोस में जो है वो बारात है, तो उसके बाद कल का जो मेरा रहेगा वो हम लोग जा रहे हैं नगरोटा में, क्योंकि दीदी के यहाँ पे 24 को जो है वो व्रत का, जो पूर्णिमा का व्रत है उसका मोख हो रहा है, तो वो आ रही हैं घर पे, और खुशी और परी वहीं पे रहेंगी, और अनी भी, वैसे भी अनी का थोड़ा काम जो है इस टाइम जम्मू में ही चल रहा है, तो उसके लिए मुझे भी जाना है। तो मैं सोच रही हूँ ठीक है, थोड़ा साथ में
मुझे लेनी है मार्कशीट्स एमए की, तो वो हमारा रिजल्ट जो है वो आउट हो चुका है फोर्थ सेमेस्टर का, तो उसके लिए मुझे जाना है मार्कशीट लेने के लिए, तो वो भी मेरा हो जाएगा। और साथ में मैं थोड़ा घूम भी लूँगी क्योंकि शादियाँ आ रही हैं, थोड़ा देखते हैं वहाँ जाके पता चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो तब तक के लिए आप ब्लॉग को देखते रहिए क्योंकि अगले वाले ब्लॉग जो हैं आपको अच्छे वाले मिलने वाले हैं। तो ठीक है गाइस, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाकी मिलते हैं कल गाइस। तो अभी जो है टाइम हो रहा है 3:30, और 3:30 में मैं 3:30 बजे मैं कर रही हूँ डिनर की प्रिपरेशन। आप लोग पूछोगे क्यों, तो वो इसलिए फिलहाल तो मैं बना दी चाय। ये चाय है हमारी 4 बजे वाली जो हम लोग पीते हैं डेली। तो दूसरा ये है कि शाम को हम लोग जाने वाले हैं डिनर पे, तो हम लोग सोच रहे थे, हम लोग नहीं सिर्फ मैं, ठीक है, बाकी वाले नहीं सोचते, मैं सोचती हूँ सिर्फ। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मम्मा को शाम को अकेले काम करना पड़ेगा क्योंकि मैं और भाभी जा रहे हैं, तो वो लोग वहाँ से आए ना, जब बाबा से बाबा गए थे ना वो माता के वहाँ दर्शन करने के लिए, तो वो लोग वहाँ से आए तो थोड़ा देर थक, तो अभी वो करें रेस्ट, तो मैंने सोचा मैं कर लेती हूँ डिनर की प्रिपरेशन। क्योंकि अभी डिनर में मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी, और उसके लिए मैंने मटर को पहले उबाल लिया, क्योंकि मैंने ये सोचा कि अभी जो जो मटर आ रहे हैं ना, ये तो हमारे घर के मटर हैं, तो हम लोगों ने लाए थे, और बड़े बड़े छोटे छोटे हैं, मतलब ऐसे छोटे छोटे हैं बिल्कुल, ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं हुए हैं वो, ठीक है। तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं तड़का बना के उसमें ही मटर और मतलब उसको ऐड करके पनीर को फिर उसको सीटी कराऊंगी, फिर वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये था मेरा, तो अभी मैंने इसमें डाल दिया सब कुछ, तड़का बन रहा है, तो चाय भी इधर हो गई है, इधर मैं डालूंगी दूध क्योंकि उनका चाय पीने का भी मन हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है मैं यही कर लेती हूँ, तो अभी मैं वही कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग को जाना है, यार क्या ही हो रहा है, उसके बाद हम लोग को जाना है बारात में जाना है, तो अभी मैं रेडी नहीं हुई, मतलब अभी रेडी होने में बहुत टाइम है, तो तब तक के लिए मैं यही कर लूँगी भाभी को बनाने फिर चावल, उसके बाद हम लोग होंगे रेडी, फिर मिलेंगे आपको चाय पीते समय। तो गाइस मेरी सब्जी हो गई रेडी, तो अभी हम लोग भी होंगे रेडी, तो अभी थोड़ा, तो अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं, 5 बज गए, आप देख सकते हैं पूरे 5 बज गए, तो 5 बज गए, तो अभी वहां पे बज रहा है ढोल, ढोल मतलब स्टार्ट हो गया बजना, और यहाँ पे अनिल हो गए, बस इनका पूरा दिन फोन है यार, इनके फोन से मैं बड़ी परेशान हूँ, तो बात तो करते ही नहीं है किसी इंसान के साथ। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं तैयारी, तो भाभी जी कर रहे हैं मतलब इस्त्री कपड़े हमारे, तो मैं करूँगी बर्तन साफ, क्योंकि हमें मैक्सिमम काम जो है वो ख़त्म करके ही जाना है, ताकि मम्मा को ज़्यादा काम ना करना पड़े क्योंकि मम्मा रहेंगे घर पे, तो और यहाँ पे ना तो मेरा नहीं हुंदा, तो यहाँ पे करेंगे अभी भाभी जी कपड़े इस्त्री, तो मेरा अच्छे से कर देना क्योंकि उसकी सिलाई जो है वो नई नई है, तो मैं करूँगी बर्तन साफ, उसके बाद जो हमारा काम रहेगा, 40 में 50 का दे दूंगी आपको, कुछ 50 का कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ लाऊंगी, जो भी होगा वो कुछ दे दूंगी, आप बस कर देना, ठीक है। तो वो उसके बाद देखते हैं, फिलहाल के लिए तो अभी इतना ही है। सो हे गाइस, वेलकम बैक इन इवनिंग टाइम, तो अभी जो है टाइम है इवनिंग का, और मैं हो रही हूँ रेडी बारात के लिए, जिसमें आप सबको बताया था ना कि हमारे पड़ोस में है शादी, तो हम वहीं पे जा रहे हैं बारात के लिए, तो मैं आज की लुक जो है थोड़ी सिंपल सी रखूंगी, तो मैंने ये सिंपल सा सूट जो वेयर किया है, तो उसके बाद अभी मुझे होना है रेडी। सबसे पहले मुझे एक्चुअली मैंने अपना फेस जो है वो वॉश नहीं किया, इसके लिए इसलिए मैं उस पर कर रही हूँ, लगा रही हूँ पहले ग्लोव जेल, उसके बाद मुझे करना रब इसको अच्छे से, तो फिर मैं करूँगी अपना मेकअप स्टार्ट, ठीक है। तो वहाँ भाभी भी अपना अपने रूम में रेडी हो रही हैं, और यहाँ पे मैं, तो गाइज आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, साथ में अभी मैं इसमें पूरी रेडी नहीं हुई है, जब तक मैं पूरा मेकअप कर लेती हूँ, बट मैं मेकअप शो नहीं करवाऊँगी क्योंकि आप लोगों बड़ा बोर होते हो मेरा मेकअप देख के, तो बाकी बारात का मेरा पूरा रहेगा, आज मैं पूरा बनाऊँगी ब्लॉग, तो क्योंकि हमारा इस डिनर का भी होगा, तो आज का मैं ब्लॉग शूट करूँगी पूरा का पूरा, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी लोग जो आप इंटरेस्टेड हो इस ब्लॉग में, तो ये सिंपल सी लुक और सिंपल सा दुपट्टा रहेगा आज की मेरी ये ड्रेस का, तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि ऐसा वाला सलवार सूट जो है वो मेरे को कैसा लगता है, क्योंकि आज मैंने बिल्कुल सिंपल सी ये देखिए इस टाइप का तो मैंने आज वेयर की हुई है सलवार, क्योंकि शादी के बाद मैंने फर्स्ट टाइम सलवार वेयर की है
वैसे मैं सलवार बहुत कम यूज करती हूँ आने में, आने जाने में मुझे दुपट्टे की सेटिंग नहीं आ रही कि मैं दुपट्टा जो है वो किस तरह से लूँ, तो मैं थोड़ा इस तरीके से लूंगी क्योंकि मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं आपको मेकअप के बाद। हे गाइज, वेलकम बैक। जैसे आप सबको पता है, छोटी मोटी मेकअप आर्टिस्ट तो मैं हूँ ही, मतलब खुद का मेकअप तो मैं कर ही सकती हूँ, तो ऐसा कुछ है और मैं हो गई हूँ रेडी और आपको बताने की मैं कैसी लग रही हूँ। क्योंकि अनी तो बोल रहे हैं कि आजकल तू बड़ी सुंदर लग रही है, क्योंकि अनी बोल रहे हैं तू इतनी इतनी ब्यूटीफुल बन के क्यों जा रही है। तो ऐसा है, तो साथ में मैंने मर्जेंटा किया है, लिपस्टिक वगैरह सब कॉम्बिनेशन जो है वो मैंने मर्जेंटा बनाया, तो आप लोगों को बताना है। सो दिस इज़ माई बैक लुक, तो मैंने वेयर किया हुआ ये वाली ड्रेस पंजाबी। तो मुझे काफ़ी टाइम से मन था कि मैं पंजाबी सूट डालूँ, तो वो मैंने डाल दिया। तो आपको बताना कि मेरी फाइनल लुक जो है वो कैसी लग रही है, जो मैं आपको बताऊँगी अभी। तो इस पैक का मतलब मैं पूरी भरने गई हूँ। तो ठीक है गाइज, अभी हम लोग निकलेंगे। अभी अनिति अरे रेडी नहीं हुए हैं, भैया भी रेडी नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे को सबसे पहले बोल दिया था कि तू रेडी हो, क्योंकि तू बड़ा टाइम लगाती है। तो अभी मैं हो गई हूँ रेडी। तो ठीक है गाइज, अभी मिलते हैं निकलते समय। जो वो निकल रही है और हम लोग रेडी होके यहाँ पे खड़े हुए हैं। अभी हम लोग जाएंगे बाहर भी, क्योंकि हम लोग अपनी गाड़ी में जा रहे हैं। तो अभी आई थिंक निकल रही है, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगी जितना मैं बना सकती हूँ। पे हो रहे हैं अन्नी जी रेडी, और अन्नी ने डाली ब्लू वाली जैकेट और मैंने नहीं डालना कुछ भी। यार पापा प्लीज पाते दीगा नहीं यार, अन्नी ना सूट है यार सारा खराब हो गया ना, बोल रहे हैं जेड़ा काम है। मैं नहीं पानी, तो मैं देख लूंगी अभी वहां पे जाके, अगर कुछ हो, अगर मुझे फील हुआ तो देख लूंगी, अदरवाइज नहीं। ब्लेजर पाइए जाए तो गड्डी बैठे नहीं, दूर उतरने बैठे बस। मैं डालो जल्दी का जल्दी पापा ब्लेजर मैं बीच में रख लेती हूँ। जैकेट आंगा पहले। मैं बीच में रख लेती हूँ। नहीं नहीं नहीं। सच्ची में डाल लूँगी ना, अगर ठंड लगेगी तो मैं डाल लूँगी। हाँ। तो गाइस मुझे वैसे ना, मैं सही में बताऊँ तो मुझे ना, मुझे ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा, मतलब बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा ब्लेजर डालने का। तो मतलब प्लीज। निकल रहे हैं, चलो अनी अनी चलो अभी चलो 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 चलो। तो अनी आपको इतने दिन बाद आप घर आए, मतलब कैसी फीलिंग आ रही है आपको? हैं आप बोल रहे तो ठीक नहीं, मैं किस तरह इधर मुंह में डालूंगी, खाना भी नहीं खाने दूंगी। तो गाइस सुबह से इन्होंने इतना खाया है ना, बाय गॉड, मतलब ये वहां पे गए हुए थे ना, मुझे पता क्या बोल रहे थे, मुझे वहाँ पे बड़ा मजा आता था। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है ना, वहाँ पे भी तो भाभी थी काम करने वाली, तो वो अच्छे से इनका बहुत ख्याल रखती, ठीक है। ये मैं बोलते
यार मेरे को ना आलू प्याज का परांठा बना के दे है ना, मैंने सुबह इनको बना के भी खिला दिया, इन्होंने दो खाए थे कि देख देखो कैसे, क्योंकि मैं इनकी सच्चाई बता रही हूँ। पहले पता क्या होता था, अगर मैं इनके साथ कुछ ऐसा करती थी ना, बोलती थी तो ये एडिट ही नहीं करते थे वो वाला, ये मतलब डिलीट कर देते थे। अब भी मैं खुद एडिटिंग करती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है आपके, मैं कुछ भी बोलूंगी। उसके बाद फिर ये दोपहर को आते हैं, मतलब 4-5 बजे के करीब करीब, तो मुझे बोलते हैं यार वो मसाला बचा हुआ है आलू प्याज वाला, मेरे को एक परांठा बना के दे। फिर मैंने इनको परांठा बना के दिया। अब अभी सुन के जाओ ना, हमने सारी बातें रोटी बना दी थी परांठा बना के दे नहीं ओ, मैंने बनाया हुआ था आलू प्याज की सब्जी, मैंने आपको भी बताया हुआ पूरे ब्लॉग में, ठीक है। हम लोग पहुंच गए इधर, इधर हवा ऐसे चल रही है ना, हाय ठंडी बहुत लग रही है। तो अच्छा हुआ नहीं, मेरे को जबरदस्ती ये ब्लेजर जो है वो पहना दिया, अदरवाइज मैं तो मरी जाती ठंडी से। यहाँ पे बहुत ठंडा है तो रहो अंदर के, कैसी है व्यवहार, कैसी चल रही गाइस, और भाभी देख सकते हो आप हमारी संस्कार तो, वो सबको आप कितने ज्यादा संस्कारी हो, संस्कारी मैं हूँ, ठीक है। पत्तियां तलाना लग रही है,
अभी हम लोगों ने हम लोगों ने डिनर वगैरह कर लिया, अभी हम लोग जा रहे हैं घर। तो हमारा हो गया सारा, तो ठीक है आज का ये ब्लॉग हम लोग यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। बाय, गुड नाइट। मतलब बहुत अच्छा रहा सब कुछ, तो ठीक है, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।